वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए सुबह हो चुकी है और हमने अपना डोर खोला तो देखा मेरे नेबर के यहाँ गिफ्ट आए थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा गिफ्ट देख के। कोई भेजता है तो मज़ा आता है। तो यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट रेडी करना चालू कर दिया। ये हमने ब्रेकफास्ट अपने बनाया, फिर हमने चिकन रोस्ट की तैयारी करी। ब्रेकफास्ट जो था चटपटा ब्रेकफास्ट, स्नो में बहुत अच्छा लगता है, जैसे बरसात में पकोड़े अच्छे लगते हैं। डिनर फ्राइडे है तो कुछ झटपट सा खाना बनाते हैं, तो हमने चिकन रोस्ट बनाया। चिकन रोस्ट का मेरा मसाला है ये, लाल मिर्च है, लहसुन अदरक है, हल्दी है, धनिया है, कलर है, नमक है, क्रस्ट पेपर है, ये सबको हमने मिला दिया। थोड़ा योगर्ट भी है 2 टेबल स्पून, ऐसे मिक्स करके हमने मैरिनेट के लिए फिर छोड़ देंगे 10-20 मिनट के लिए। इसी फ्राई पैन में हमने बनाया था तो इसी में मैरिनेट भी कर दिया। अब 10 मिनट बाद के बाद इसे फिर से हम एक बार फिर चलाएंगे, मैरिनेट करेंगे। और फिर इसमें हमने ऑयल डाल दिया 2 टेबल स्पून, और इसमें थोड़ा सा हमने थोड़ा सा योगर्ट डाला, ज़्यादा नहीं। एक बार फिर इसे खोल के फिर से इसको मैरिनेट करने करके जो रखा था एक बार फिर मिक्स कर दिया। अब हमने इसके नीचे आग जला दी। मिनट में ये तैयार हो गया। देखिए हमने इसमें गार्निश कर दी है, रेड पेपर, येलो पेपर और ग्रीन पेपर, ऑनियन के संग गार्निश करा, बहुत ही अच्छा बना। फिर हमने आलू का पराठा, संग तो राइस अच्छे लगते हैं पर हमें आलू का पराठा बनाया क्योंकि स्नो टाइम है, सर्दियों में आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। बल्कि आलू का पराठा ऐसे ही हो गया था जैसे कपिल शर्मा बताता है, आलू के पराठे में जब मक्खन डलता है तो आलू का पराठा डांस करने लगता है। जुमे के लिए रेडी हो गए हैं या नमाज पढ़ने के लिए। अब पढ़ने के बाद हम अपनी फ्रेंड फातिया के घर गए। उसके घर के बाहर बहुत अच्छी क्रिसमस की सजावट थी, तो अब्दुल्ला ने डांस कर करके अपनी मूवी बनवाई अब्दुल्ला का, तो मज़ा आ जाता है आउटसाइड जाने। ट्री भी लगे थे और यहाँ पे देखिए हमने जो बटर से घी बनाया वो कितना अच्छा बना। ये देखिए 8 बटर के पैकेट डाले थे और ये हमने इसके पका के घी बनाया। फिर हम लोग शाम हुई तो पानी पूरी खाने बैठे हैं। ये हम पटेल ब्रदर्स के लिए के यहाँ से लाए थे पानी पूरी, बहुत टेस्टी थी, इजी थी। बस हमने मटर और आलू उसका उबाल लिया था, बॉइल कर लिया था और फिर पानी पूरी खाई, इंजॉय कर। You like Golgappa? Yes? Try. Wow. यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया तो मगरिब की अजान हो गई है, अब नमाज पढ़ेंगे हम लोग। सभी लोगों को जुमा मुबारक है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।